जैसा है इंडक्शन ऑफ एनस्थीजिया एनस्थीजिया इंड्यूस करना इंडक्शन मीन्स पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप पेशेंट को सुलाना है बेहोश कर देना है उसके लिए दो तरीके होते हैं या हम आईवी ड्रग्स यूज़ करते हैं या गैसेस यूज़ करते हैं कि सांस ले और उसी में होएं. मतलब कि बेहोश हो जाए ज़्यादातर कॉमन होता है आई ड्रग्स यूज़ करना उनमें जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रोपोफोल और जो लेस कॉमन चॉइस हैं उसमें एटोमिडेट भी है और कैटामीन भी है ये हमने फार्मा में आई वी एनास्थेटिक्स पहले पढ़ी हुई हैं किस ईयर में पढ़ी थी थर्ड ईयर में आई वी एनास्थेटिक्स में या तो बारबीचूरेट्स यूज होते हैं जिसमें था है। जो अब यूज नहीं हो रहा इतना बारबिचूरेट्स यूज हो रहे थे या बेंजोडाइजी यूज़ हो रहे थे अगर ये दोनों नहीं यूज हो रहे थे ओपियोइड्स यूज़ हो रहे थे डिसोसिएटिव एनस्थीजिया एक ड्रग यूज के लिए एक ड्रग यूज होती है या फिर मिसलेनियस होते हैं ये हमारे पास एक दो तीन चार पाँच पाँच कैटेगरीज हैं आई वी एजेंट्स की बर्बिच्यू रेडर डाइजिन के बारे में हम पता है कि ये गाबा ए रिसेप्टर्स की इनिबीशन करते हैं गाबा मीडिएटेड इनिबेशन और गाबा ए रिसेप्टर बस इनका वो मैकनिजम एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन टारगेट इनका सेम है ये है गाबा मीडिएटेड इनिबिशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स गाबा मीडिएट इनिबीशन ऑफ गाबा ए रिसेप्ट दोनों करते हैं ओप्योर्स अपना काम डिफरेंट करते हैं लेकिन हम जिनकी अब बात करने लगे असल वह है प्रोपोफोल एटोमीडिएट और कैटाम ये मिसेनियस में हमारा प्रोपोफोल बैठा है एटोमीडियट बैठा है और ये कैटाम बैठा है प्रोपोफोल जो कि के केमिकली एक फिनोल है एटोमिडेट जो कि के केमिकली इमिडाजोल है और ये कैटामा जो कि डिसोसिएटिव एनस्थीजिया करता है डिसोसिएटिव एनस्थीजिया यानी बंदे को रियलिटी से लगा करके हेलोसनेशन करा देता है बंदे को भी होश नहीं करता यही वजह से डिसोसिएटिव एनस्थीजिया के ग्रुप में डाला है अब जरा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं प्रोपोफोल जो कि हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है आई इंडक्शन में एनस्थीजिया के और जगह जगह भी इसका नाम आएगा यह है प्रोपोफोल और इसकी एक प्रोड्रक भी होती है फोस्ट प्रोपोफोल फोर्स प्रोपोफोल जो अंदर जाके प्रोपोफोल बन जाती है इसका मेकानिजम एक्शन अननोन है लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है क्योंकि इसका इफेक्ट रैपिड होता है जैसे दोगे उसी टाइम बंदा बेहोश हो जाएगा और जैसे खत्म करोगे उसी जैसे इसका टाइम पूरा हो जाएगा ड्रग ड्यूरेशन एक्शन का उसी टाइम बंदा रिकवर हो जाता है इसका एंटीमेटिक इफेक्ट है कोई नोजिया वामटिंग नहीं होने दे सकता और इसका हैंग ओवर इफेक्ट भी नहीं कि बंदे पे बाद में कोई ड्रग अंदर रह जाए बैलेंस एन और ओपीडी की सर्जरी में यूज़ होता है और इसकी एलिमिनेशन में लिवर का मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है इसीलिए ये इस, इसमें लीवर का काम करना बहुत जरूरी है ये है प्रोपोफोल अब हम बात करते हैं इटोमीडिएट और कैटामिन की इटोमीडिएट हमने देख प्रोपोफोल तो एक फिनॉल है इटोमीडिएट एक इमिडाजोल है इटोमीडिएट बाबीचुरट और बेंजो तीनों के अब टारगेट सेम है गाबा ए गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन करता है सेम बाकी ये कि ये हम कब यूज करते हैं वैसे भी ये कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ कब होता है पहली बात ये यूज़ क्यों नहीं इतना होता क्योंकि एक, एक एनर्जिजिक नहीं है पेन नहीं ख़त्म करता ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हम कोई चीज़ को उसके टारगेट तक पहुँचाएं उसके रास्ते से और फिर कुछ अरसे बाद वो उस टारगेट से निकल के दोबारा उस जगह तक पूरे में फैल जाए जैसे ब्लड से कोई चीज़ ब्रेन तक पहुँचाई हमने बाद में ब्रेन उस चीज़ को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट ब्लड में कर दे उस तरह की चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसी वजह से ऐसी ड्रग्स जो रीडिस्ट्रीब्यूट का फिनोमेना रखती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाता है क्योंकि वो अपनी जगह से उनका टारगेट उनको हटा देते हैं कुछ अर्से बाद चूँकि ये एक एनर्जीसिक नहीं है क्योंकि इसका री डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मुना इस वजह से ही इसे रिजेक्ट किया जाता है लेकिन इसका फ़ायदा क्या है इसके भी रैपिड इंडक्शन है प्रोपोफोल की तरह और इसका कार्डियक और रेस्परेटरी रेट पर बहुत मिनिमल चेंज होता है तो वो पेशेंट्स वो पेशेंट जिनके कार्डियक और रेस्परेटरी रिजर्व पहले बहुत कम है जिनके हम हार्ट और लंग्स को हाथ नहीं लगाना चाहते तो उन लोगों में हम इटोमीडिएट करते हैं यूज़ क्योंकि उसका इफेक्ट इन दोनों पे बहुत कम होता है वो बंदे के इन चीजों को पैरालाइज़ नहीं करती और वैसे ही एनाल्जेसिक नहीं है इसलिए इसे इतना वैसे यूज करते भी नहीं है अब हमने बात के के की थी कैटामिन की कैटामिन जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करता है ये एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड ये उसका एंटागोनिस्ट है ग्लूटामिक एसिड का इफेक्ट एनएमडीआर रिसेप्टर्स पे नहीं होने देता ग्लूटामिक एसिड से कंपीटीट करता है एनएमडीआर रिसेप्टर्स पे एन मिथाइल डी रिसेप्टर्स पे ठीक है एंटेक्रिजम ऑफ एक्शन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिक एसिड ऑन एनएमडी एनएमडी ग्लूटामिक एसिड को एक्ट नहीं करने देता एसिड इनको एक्टिवेट नहीं कर पाता इन एनएमडी रिसेप्टर्स को ये यूज कैसे होते है? करते हैं हमारा ट्राइड का एक पॉइंट पूरा हुआ एमनीजिया करते हैं ट्राइड का दूसरा पॉइंट पूरा हुआ एमनीजिया कर रहा है लेकिन अनकॉन्शियसनेस नहीं हमने लिखा कि कर हैं बाकी हमने लिखा कि कैटाटोनिया करते है कैटाटोनिया क्या होता है न्यूरोजेनिक मोटर इमोबिलिटी यानी मोटर मसल्स को इमोबाइल कर देते हैं पैरालाइज कर देते हैं वो ठीक है लेकिन चूंकि कॉन्शियसनेस रिटेन रहती है बंदे को याद नहीं है कि क्या हो रहा है उसके सामने बंदा लहदा हो गया रियालिटी से लेकिन अभी भी वो होश में या एक तरह से होश में इस वजह से डिसोसिएटिव नस्तीजिया कह रहे हैं इसके बारे में ये भी कुछ लेक्चर्स में कहा गया है कि ये ना म्यूकस रिटेंशन कर देते हैं म्यूकस प्रोडक्शन करते थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो निमोनिया का खतरा हो जाता है सो प्रोपोफॉल इज यूज विच गिव गुड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस क्योंकि ये इसके बारे में लिखा कि ये एक है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करता है डिसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ये एक में से एक है डिसोसिएटिव एलोसिनोजिन की क्लास है तो केट, ये कैटामिन हेलोसिन एक तरह से क्योंकि ये बंदे की देखने और सुनने की परसपशंस को ख़राब कर देते हैं और बंदे को अलहदा कर देते हैं असल इन्वायरमेंट से और उसे हेलोसिनेशन में डाल देते हैं बाकी ये थी तीन ड्रग्स जो आई हुई थी अब हम इनहेलेशनल ड्रग्स की बात कर रहे हैं इनहेलेशनल एनस्थेटिक्स उसमें तीन वोलेटाइल गैसेज हैं जो एक ही ग्रुप से हम इसे एच आई एस कर लेते हैं जिसमें हेलोथीन है और दो फ्लोरिन है आइसोफ्लोन और सीवोफ्लोरिन सीवोफ्लोरिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है इसका रेपो इंडक्शन है इसका रैपिड इंडक्शन है हेलोथेन का लेस रैपिड इससे तो डिले ही करती है और ऐसा एक पंजेंट गैस है बंदा कैसे अपने दल और ये वैसे हम इन्हिलेशनल वैसे उन उन लोगों में देते हैं जिनमें सिचुएशनल मसलों जैसे बच्चे जो कि सुइयों से डरते हैं वो लोग जो, जो वैसे नीडल फोबिक्स हैं या फिर जिन लोगों में परमनेंट एस्परेशन का डेंजर होता है उन लोगों में हम ये देते हैं अब ये जो होती है इनल आइडिया इनके बारे में है हमने जो फार्मा में पढ़ी थी तो या तो गैस होती है या वोलाटाइल लिक्विड होते अभी हम नाइट्रोसऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे आगे यूज़ होगी फिलहाल इंडक्शन में कौन सी वोटाइल गैसेस यूज़ हो रही हैं ये ये रही हमारी तीनों एसोफ्लोरिन हेलोथीन और सीबोफ्लोरिन ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ बताए गए हैं तो उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से एक तो ये गाभा रिसेप्टर पे गाबा इनहिबिशन कर का ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर ड्रग्स को ये काम बहुत पसंद करना दूसरा ये निकोटिनिक एनएन रिसेप्टर्स ये हमने डिस्कस कर लिया कि एक मस्किलिक होते है एक निकोटिन के निकोटिनिक में एन एन भी होता है और एन एम भी होता है लेकिन ये एन एन को करे जो न्यूरो न्यूरोस के आपस में जो जंक्शन होते हैं उन पर जो होता है तो क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टोकि एन एन है उनको ये इनिबिट करते हैं गोबा मेरी रिबेशन कर रहा है एन एन रिसेप्टो इनिबिट ये भी इनके मैकेज एक्शन है एलिमिनेशन इंडक्स की कैसे होती है ये जो होती है ना इनहेलेशनल गैसेस जब हम ये देते हैं ना ड्रग सांस से फिर ये ब्लड ब्लड जा, में जाती हैं अब्जॉर्व होती हैं ब्लड में जाती हैं ब्लड से ब्रेन में जाती हैं जब ब्रेन से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है जो हमने फ्रोमना भी पढ़ा है रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा ब्रेन से भी ये दोबारा ब्लड में जाएंगी वापस उल्टे रास्ते और ब्लड से फिर ये एयर में जाएंगी फिर से उल्टा रास्ता वापस उल्टे रास्ते से ये बाहर जा रही हैं और फिर वहाँ से हमारे लंग्स के जरिए बाहर निकल गई एक्सट्रीमली उल्टा रास्ता रिवर्स हो गया पूरे पाथवे का तो इसका मतलब ये हमारे लंग्स के जरिए बाहर जाती हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं बाकी जो हेलोथीन है एच आई एस इसमें जो हेलोथीन की बात की हमने वो लिवर के मेटाबॉलिज्म से बाहर जाती है यानी इसके खत्म करने में लीवर का मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है लीवर से मेटाबोलाइज करता है इस तरह यह एलिमिनेट होती है बॉडी से अब हमने कर दी इंडक्शन पेशेंट्स हो गए दूसरा हम करें एयरवे मैनेजमेंट अभी हमने सिर्फ इंडक्शन के पेशेंट्स खुलाए हैं लेकिन अब जब हम मेंटेनेंस करेंगे तो हम मसल रिलैक्सेंट देंगे तो जब मसल रिलैक्सेंट देंगे ना तो उसकी जो एयरवे है उसके मसल्स हो जाएंगे रिलैक्स तो हो जाएगी बंद इस तरह पर वो सांस नहीं ले पाएगा और आसता आहिस्ता जब लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं तो फिर वो छोटे मसल से जब बड़े मसल जैसे रेस्पिरेटरी मसल पैरलाइज हो जाते हैं तो बंदे को वेंटिलेशन भी हमने खुद देनी होती है उसके लिए हमें उसे एनस्थीजिया मशीन के ब्रीथिंग सर्किट से जोड़ना है और उसके लिए उस बंदे के अंदर कोई ट्यूब गुजरी होनी चाहिए उसके लंग से जोड़ने के लिए उस पाइप को तो हम पहले से एयरवे मैनेज कर देते हैं एयरवे मैनेज करने के लिए हमने आ, ट्यूब डालते हैं या तो वो सुपरा ग्लोटिक या ग्लोटिस होता है जो ओपनिंग होती है जो लैरेंगस में जा रही होती है या तो उसके ऊपर मास्क डाल दो लरेंजिया मास्क एयरवे वरना एंडोट्रेकियल ट्यूब जो ग्लोटिस से नीचे ट्रैकिया में जा रही होती है वो ट्यूब डाल दो ये दो हम यूज़ करते हैं सुपरा ग्लोटिक जो लरेंजा मास्क एयरवे ये हम शॉर्ट प्रोसीजर्स जो माइनर प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं लेकिन जो लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हमें एक सिक्योर्ड एयरवे सही से चाहिए तो हम उसमें एंडोप्रेकल ट्यूब यूज़ करते हैं इसमें एंड पे एक कॉलर होता है जो कि जाके हम इन्फ्लेट कर देते हैं जब ये अपनी जगह पे पहुंच जाता है ट्रैकिया के अंदर तो हम इसे इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए जब यहाँ पर फ़िक्स हो जाता है तो ये एयरवे सिक्योर हो जाती है इस वजह से सिक्योर एयरवे जब होगी तो इसका मतलब हमारा जनरल नतीजिया अच्छा हो जाएगा अब इसका प्रोसीजर क्या है इसके प्रोसीजर में सबसे पहले ना हम उसके एयरवे को करेंगे पैरालाइज जब उसके एयरवे को पैरालाइज करेंगे तो कफ़ रिफ्लेक्स उसका बंद हो जाएगा और मसल्स रिलैक्स होंगे जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तभी हम ट्यूब डाल सकते हैं अगर उसका कफ रिफ्लेक्स होगा काम कर रहा तो फिर हम ट्यूब नहीं डाल सकते उसे उल्टी आ जाएगी कफिंग होगी तो सबसे पहले हम शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं इसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग यूज क्यों की लॉन्ग एक्टिंग तो वैसे हमने मेंटेनेंस में यूज़ करना है अभी के लिए हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हैं तो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज़ करेंगे तो अगर हम सही से ट्यूब ना डाल पाए तो फिर कुछ अरसे में उसका एक्शन खत्म हो जाएगा और पेशेंट खुद ही दोबारा से सांस लेने लग जाएगा मसल दोबारा काम करने लग जाएंगे इसीलिए हम शॉर्ट एक्निक यूज करते हैं ताकि फेलियर में भी खतरा ना हो पेशेंट को सबसे पहले शॉर्ट एक्निक मसल रिलैक्सेंट देते हैं अब मसल्स की टोन रिड्यूस होने लगेगी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और कफ रिफ्लेक्स खत्म हो गए उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब मसल्स तो रिलैक्स हो गए तो अब हमने टंग को पुस्टी फ्रेंजिल वॉल से हटाना है ताकि हम अंदर ट्यूब डाल सकें तो उसके लिए हम मेन्यूवर करते हैं नेक एक्सटेंशन हेड लिफ्ट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो थर्स्ट इससे क्या होता है कि टंग को हम पुस्ची फ्रिंजिल वॉल से हटाते हैं हमारा एयरवे क्लियर हो जाता है और फिर हम लंजे मास्क एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं और फिर अगर पेशेंट अभी भी उसके लंग्स में मतलब कि लंग्स मतलब कि ये जो होता है ना शॉर्ट एक्टिंग इसमें हम सक्सनैल को नहीं यूज़ कर रहे हैं जैसे सक्सा मिथोनियम कह रहे हैं यहाँ पे तो वो एंड पे जाके आ, मतलब कि छोटे मसल से शुरू होता है बड़े मसल जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स पे एंड पे जाके एक्ट करते हैं तो अगर उसके भी रेस्पिरेटरी मसल पैरलाइज नहीं हुए तो वो उस ट्यूब के जरिए भी अभी सांस लेगा और अगर नहीं अगर हो गए तो फिर उसको फिर हम एनस्थीजिया मशीन के ब्रीथिंग सर्किट से जोड़ देंगे बस ये था इसका प्रोसीजर अब है वेंटिलेशन हमने पेशेंट के अंदर ट्यूब डाल दिए हाँ ये जो हम ट्यूब डालते हैं ना एंडोट्रेकियल ट्यूब इसको हम लैरिंगोस्कोप के अंडर डालते हैं ये एक क्वेश्चन है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डालते हैं हम इसी विजन के अंडर ही इस ट्यूब को डाल सकते हैं लैरिंगोस्कोप से हमें वोकल कोर्ड्स नजर आ रहे होते हैं और वोकल कोर्स के अंदर अंदर हम डाल देते हैं वोकल कोर्स से नीचे ट्रैक मतलब कि लैरिंगस में वल कोड जो उनसे नीचे ट्रैक है ये तो फिर वो ट्रैक एमस्ता चली जाती ट्यूब अगर भी मुश्किल हो जाए एयरवे डिफि इंटूबेशन डिफिकल्ट हो तो फिर हम फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोसकॉप यूज करते हैं उसके जरिए फिर हम नीचे तक डालते हैं अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब सही से बंदे फिर हम कैसे चेक करते हैं कि वो चेक कैसे करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब सही जगह पे हम वैसे उसकी चेस्ट मूवमेंट देखते हैं अगर चेस्ट मूवमेंट्स इक्वल हैं दोनों तरफ से तो फिर इसका मतलब कि विजुअली हमें सही नज़र आ रहा है कि दोनों चेस्ट मूवमेंट दोनों लंग्स की एक जितनी हो रही है तो इसका मतलब हमने सही जगह डाली है दूसरा फिर हम दोनों लंग्स को ऑस्कल्टेट करते हैं दोनों में एक जितनी आवाज़ आ रही है सांस की तो इसका मतलब हमने सही जगह चेस्ट ट्यूब डाली है बाकी लोग एक्सरे भी करते हैं चेक करने के लिए अगला है वेंटिलेशन हमने ट्यूब डाल दिए अब उस ट्यूब को हम एस्थीजिया मशीन के ब्रीथिंग सर्किट से जोड़ देंगे बाकी फिर अनस्थीजिया मशीन में सेटिंग्स होती हैं जिसमें पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन रेट क्या चीजें ये सारी चीजें हम सेट कर देते हैं जो कि सेट करनी होती हैं कौन कौन सी चीज़ें सेट करनी होती है रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए मोड ऑफ वेंटिलेटर में एफ आई ओ टू कितना होना चाहिए पॉजिटिव एंड एक्सपाइटिव प्रेशर कितना होना चाहिए चीज़े? चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं सेटिंग्स में और फिर वेंटिलेशन शुरू हो जाती है था इंडक्शन